आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला सशक्तिकरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित संकल्प के आधार पर सन 1977 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। आज पूरा विश्व महिलाओं के समर्पण सशक्त योगदान को याद कर रहा है। इस साल का थीम है ब्रेक द वाइस यानी पूर्वाग्रह को तोड़ें, लिंग भेद से मुक्त हो। हमारी संस्कृति में नारी सदा पूजनीय रही है। हमारे देश में आदिकाल से ही स्त्रियां पूर्वाग्रह की नहीं बल्कि अनुग्रह अनुराग और आराधना की प्रतीक मानी गई है। आज विद्या की देवी हो, लक्ष्मी की देवी हो, शक्ति की देवी हो, सभी हमारे आराध्य है। हमने नारी को शक्ति संपत्ति और सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री माना है। भारतीय संस्कृति में विद्या की देवी माँ शारदा भवानी, धन की देवी माँ लक्ष्मी, शक्ति की आदि देवी माँ दुर्गा। महिलाएं हमेशा अपनी योग्यता, तब त्याग, समर्पण, श्रम, सेवा और संकल्प के बल पर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सकारात्मक रचनात्मक भूमिका निभा रही है। प्रकृति और शक्ति स्वरूपा महिलाएं हर स्वरूप में हमारी प्रेरणा है। उनके बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। सदमा सदा उनका ऋणी है। आज महिलाएं अपनी योग्यता के बल पर अपने परिवार और समाज का विरासत और पहचान बना रही है। वह हर स्वरूप में अपनी भूमिका का निर्वहन पूरी दक्षता के साथ कर रही है। दुनिया का कोई कोना और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां वह अवसर मिलने पर अपनी बुलंदियों पर परचम न लहरा रही है। महिलाओं का सशक्त होना हमारे राष्ट्र के नींव को मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज मैं अपनी तथा पूरे सदन की ओर से नारी शक्ति को नमन करते हुए शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके सम्मान में इतना ही कहना चाहता हूँ, नारी शक्ति है सम्मान है, नारी शक्ति है सम्मान है, नारी गौरव है अभिमान है। नारी ने ही ये रचा विधान है। संपूर्ण सदन की ओर से उन्हें मेरा सादर प्रणाम है। और अंत में यह कहते हुए कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत भी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और आज आपको ये जानकारी दे दूं माननीय सदस्यगण कि मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा में सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के क्रम में आयोजित बाल युवा सांसद में सम्मिलित वहां के होनहार बाल युवा साथी आज हमारे बीच मौजूद हैं। वह हम पर दर्शक दीघा में बैठकर सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था से रूबरू हो रहे हैं। इन बच्चों ने उस समय अपनी अद्भुत जिसका उत्कंठा और लगन से बाल युवा सांसद अनुपम भागीदारी का माहौल को सकारात्मक बनाया था। नेता प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक भी उनमें भागीदारी किए थे। मैंने उनसे वादा किया था कि आप सभी को विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए जरूर मौका दूंगा। मेरा आपसे आग्रह कि सदन में हम अपने मर्यादित आचरण और रचनात्मकता से जनहित में सार्थक विमर्श कर ऐसा माहौल बना दें ताकि ये बच्चे जब यहाँ से जाएं तो उनके मन में विधायिका और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं तथा मूल्यों के प्रति गहरी आस्था हो और बड़े होकर वह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सके और एक सतत प्रहरी के रूप में कार्य कर सके। हमारी शुभकामना भी।